हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद रिलेशंस की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन है ना, कोई भी ए से लेकर बी तक कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइंड होगा रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से बी तक डिफाइंड होगा, और रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स वगैरह भी आएंगे ना, और किस में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। और जो रिलेशन आर होगा वो सबसेट होगा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का क्या भाई? ये एक सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार से होगा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, मान लो एक्स वाई एलिमेंट आ गए, तो इन दोनों के बीच में, आर के अंदर एक्स वाई आ गए, इनके बीच में क्या होगा? कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड होगा। उसके अंडर में क्या होंगे? ये ए क्रॉस बी का सबसेट हो, किसी ना किसी रिलेशन के अंडर में डिफाइंड होंगे ये। ठीक है, उसके बाद जो भी आर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलते थे, कल हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। और जो सेकंड पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट, मान लो ए आर रिलेशन हमारा ए से बी तक है, तो ए सेट के एलिमेंट तो क्या बोलेंगे? डोमेन। और बी सेट, देखो जो आर में आएंगे बी सेट के एलिमेंट्स वो तो रेंज में आएंगे, और बी सेट के हर एलिमेंट को क्या बोलते थे हम? कोडोमेन बोलते थे। क्या बोलते थे? कोडोमेन। ठीक है, इतना होने के बाद ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारी क्या कहती है? एक्सरसाइज 2.2 हमारी कहती है कि देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14। ए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए सेट गिवन है। ए सेट क्या गिवन हमें? 1, 2, 3, 4 अप टू चलते चलते ये 1 to 14 तक कोई भी सेट ए गिवन हमें। उसके बाद क्या है? डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए। मान लो कि ए सेट से लेकर ए सेट तक कोई भी एक रिलेशन आर डिफाइंड है। किस प्रकार का रिलेशन डिफाइंड है? डिफाइंड बाई आर के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है? आर के अंदर वे सभी एक्स वाई आएंगे, सच दैट, किस प्रकार के एक्स वाई आएंगे कि 3x माइनस में y किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। यानी कि R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में x y आएंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। इस टाइप के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में R के अंदर आएंगे, वे हर एक्स वाई। इस पे ये रिलेशन इसमें क्या कर दिया? डिफाइंड कर दिया रिलेशन आर बिलोंग टू आर। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, डोमेन और रेंज हमने पढ़ी थी। डोमेन क्या थी? आर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी फर्स्ट एलिमेंट क्या होते थे? डोमेन। और सेकेंड एलिमेंट्स रेंज होते थे। और पूरा का पूरा बी सेट, इसको बी का काम अब की बार यहाँ पर ए कर रहा है, क्योंकि सेटअप आर रिलेशन जो डिफाइंड है ए टू बी ना हो गए, ए टू ए है, तो को डोमेन का काम कौन कर रहा है? कि पूरा का पूरा सेट बी कर रहा है काम। ठीक है, बी का काम ए ही कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आर सेट हमारा बनेगा कौन सा? इसके हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ से तो हमें एलिमेंट लेने हैं, इसके साथ रिलेट कराने हैं, इस प्रकार से रिलेट कराना है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वे कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? जैसे हम एक्स की जगह क्या ले लें? 1 ले लें, तो वाई की जगह क्या आएगा? एक्स की जगह 1 लेने के बाद अगर हम एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा। अब इसको किस में से सबट्रैक्ट करें कि इसका आंसर 0 आ जाए? तो कॉमन सेंस की बात है, 1 के साथ कौन आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और सिमिलरली 2 के साथ कौन आएगा? 2 के साथ, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0 आ जाए, तो 6, 2 के साथ 6 आ जाएगा। सिमिलरली 3 के साथ भी आप समझ गए होंगे, 3 के साथ 9,
और फोर के साथ 12 आ जाएगा, फोर के साथ 12 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें तो 5 भी है, 6 भी है, 7 आगे तक जा रहे हैं। अब हम आगे बात करें, इसमें 5 लेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ 15 को किस से सब्ट्रैक्ट करेगी, 15 आ जाए, यानी कि 15 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, 15 लेनी पड़ेगी। लेकिन वाई कहाँ से आ रहा है, इस ए सेट से आ रहा है, जिसके एलिमेंट कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ 14 तक है, तो 15 तो आएगा ही नहीं है, तो इस आर सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा आर सेट हो गया। आर सेट के बाद हमें पता था डोमेन लिखनी है इसकी, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द आर, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4, ये तो इसकी होगी डोमेन। डोमेन के बाद हम इसकी बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ, रेंज ऑफ आर क्या, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर, तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 3 6 9 12। इतना होने के बाद उसके बाद इसकी बात करते हैं कोडोमेन की, कोडोमेन कौन सा होता है, कोडोमेन जहां से जहां जिस सेट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है उसको क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी कोडोमेन बोलते हैं। तो इसकी कोडोमेन कौन सी हो जाएगी, कोडोमेन की बात करें तो 1 2 3 अप टू 14 तक इस सेट की कोडोमेन हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता हमें, देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इज इक्वल टू, वे से भी एक्स वाई आएंगे सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, आप क्वेश्चन पढ़ो ना, वीडियो देखो तब, तो मैथ साथ लेके बैठोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आप मैथ से क्वेश्चन पढ़ लेना फिर यहाँ से इसको सॉल्यूशन वगैरह देख लेना, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, अब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए तो हम इसको मैथ को साथ लेकर ही बैठना पड़ेगा, एनसीईआरटी के बेस पर हम काम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता हमें, सेकंड क्वेश्चन में अब की बार इसने रिलेशन आर डिफाइंड किया है एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर, यानी कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर कोई भी एक आर रिलेशन डिफाइंड किया है। ठीक है, रिलेशन आर किस प्रकार से डिफाइंड किया है, रिलेशन आर को इसने डिफाइंड किया है आर के अंदर वे सभी एक्स वाई आएंगे सच दैट एक्स, वे सभी वाई आएंगे सच दैट जो इसका सेकेंड एलिमेंट हो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव के इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव के अंदर। और उसके बाद एक कंडीशन इसने और लगा दी, कंडीशन क्या लगा दी, जो हमारा एक्स है वो क्या होना चाहिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन फोर होना चाहिए, एंड एक्स वाई कहाँ पर बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। ये हमारा आर डिफाइंड है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आर सेट कौन सा हो जाएगा हमारा, उन दो पेयर्स का वो लेना है इसमें कम्बिनेशन, जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो, फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम फाइव को ऐड कर दें तो इसके अंदर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 होता है, एक्स अगर 1 लेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग वाई क्या आएगा, उसके कोरस्पोंडिंग 1 प्लस 5 6 आ जाएगा, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, एक्स की वैल्यू हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4 की बात चल रही है तो यहाँ तक हम 3 तक लेंगे, 1 के साथ 6 आ जाएगा, तो समझ गए 2 के साथ कौन आएगा, 2 के साथ 7 आ जाएगा, 3 के साथ 8 आएगा। ठीक है, 3 के साथ 8 आएगा, ये तो हमारा आर हो गया। आर होने के बाद अब इसकी किसकी बात करें, डोमेन की, डोमेन आप सभी जानते हो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर 1 2 3, एंड उसके बाद रेंज, रेंज ऑफ आर कौन सा हो जाएगा, रेंज ऑफ आर में 6 7 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसमें डोमेन भी होगी रेंज भी होगी,
और ये कौन सी फॉर्म में होगी, डिफरेंट डिस्पेसिफिकेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो मान लो ये जो फॉर्म में लिखा मैंने, ये क्या है, इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, ये रोस्टर फॉर्म होगी, ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी रेंज होगी। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता हमारा, थर्ड क्वेश्चन कहता है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता हमें, थर्ड क्वेश्चन में गिवन अब की बार ए इज इक्वल टू 1 2 3 5। अब की बार हमें थर्ड क्वेश्चन में एक तो ए सेट दे दिया 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 5 है, एंड बी सेट क्या दिया अब की बार हमें, बी सेट गिवन हमें 4 6 9 4 6 9, ये हमारा बी सेट हो गया। अब उसके बाद क्या है, रिलेशन डिफाइंड कर दिया ए टू बी। आर रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड कर दिया, ए से लेकर बी तक। आर रिलेशन में किस प्रकार के एलिमेंट्स है जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से डिस्क्राइब है, तो कौन से रिलेशनशिप में है, एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आउट। उसके बाद जो हमारा x है वो कहाँ से आना चाहिए, a से, और y कहाँ से आए, b से आना चाहिए इस रिलेशन के अंडर। तो इसमें क्या लिखना, राइट r इन द रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि r के अंदर कैसे कौन से एलिमेंट आएंगे, वे सभी एक्स वाई आएंगे, सच दैट डिफरेंस इज बिटवीन एक्स एंड वाई इज आउट एंड एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। तो कौन से फर्स्ट एलिमेंट्स तो ए से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट्स यहाँ पर बी से आना चाहिए, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3 है, जो कि एक ओड नंबर है, तो इसके अंदर 1 और 4 आएंगे। उसके बाद 1 और 6 का डिफरेंस कितना है, ये भी एक 5 है जो ओड नंबर है, तो ये भी आर के अंदर आएगा। 1 और 9 का डिफरेंस कितना है, 8 है, जो आर के अंदर नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, 2 का किसके साथ, 4 के साथ 2 है, नहीं आएगा। 2 का 6 के साथ 4, ये भी नहीं आएगा। 2 का 9 के साथ 7, तो 2 का और 9 का पेयर भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद 3 के साथ देखेंगे, 3 का 4 के साथ डिफरेंस 1 है, तो ये इसके अंदर आएगा। 3 का 6 के साथ डिफरेंस 3 है, ये भी आ जाएगा। 3 का 9 के साथ डिफरेंस कितना है, 6 है, जो कि इवन नंबर है, जो इसके अंदर आर के अंदर नहीं आएगा। अब उसके बाद 5 का नंबर, 5 का 4 के साथ डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये भी आ जाएगा। और 5 का 6 के साथ डिफरेंस कितना है, ये भी 1 है, ये भी आ जाएगा। 5 का 9 के साथ डिफरेंस कितना है, 4 है, जो कि इवन नंबर है, ये नहीं आएगा। तो R सेट के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे, और ये इसकी कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, ये इसकी रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।